श्री परमात्मा ने नमः। श्रीमद्भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। फिर में आमदर्कपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, उस जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहाँ रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुसिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों को ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ के वृक्ष के पास गए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, किम तद्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्धचित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया और उस आदि श्लोक के ही महात्म से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए और उनके मुख से देवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ वह उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए हैं। श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को बस में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जाप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया। महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे,
उसके शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह आठवें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः, आठवां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, और जिसका स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से जाना जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश और धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है, और हिरणमय पुरुष अधिदेव है, और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ, और जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्राय उसी का स्मरण होता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से ब्रुकटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उनका पुनः जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी हजार चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए
वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नहीं नष्ट होता। जो वह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति भाव से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछा न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूप अभिमानी देवता और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म योगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछे आता है। क्योंकि जगत के यह दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि को के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। अतः श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय ओम तत्सत।